हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन से आने वाले प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, उसके प्रॉब्लम को कैसे एक मिनट के अंदर में सॉल्व करना है। तो मैं आपको बेसिक से एडवांस तक ले जाऊंगा, तो ध्यान से समझना है ये सारे पॉइंट को। पॉइंट नंबर वन कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, इट इज़ ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर मैंने ये पॉइंट बोल दिया तो इसका मतलब है कि आपका इंटीग्रेशन से आने वाले 50% क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। कहने का क्या मतलब है, समझो यहाँ पे वीनो की एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x2, राइट। इसलिए मैंने डी लिखा है कि एक्स क्यू को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 3x2। तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया गया कि 3x2 का इंटीग्रेशन बताओ, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस सम कांस्टेंट। सम कांस्टेंट क्यों, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x2, वही आया कि नहीं। तो इसलिए 3x2 का इंटीग्रेशन आपको भी पूछेगा तो वो एक्स क्यूब प्लस सी हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज़ ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वैसे ही ध्यान से देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो कोई आपसे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पूछा तो आप क्या बोलेंगे, साइन एक्स प्लस सी। क्यों, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करो, सी का 0, साइन एक्स का कॉस एक्स, यही आएगा। इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इसलिए डी से डिफरेंशिएशन है और आई से इंटीग्रेशन है। वैसे ही एक और समझो, वीनो की लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो किसी ने आपसे 1/x का इंटीग्रेशन पूछा तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी। तो इट इज़ ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। 1/x को आप और क्या ले सकते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर -1, वही बात हो गया। तो उसका भी क्या हो जाएगा, log x प्लस सी। तो पॉइंट नंबर वन आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि इट इज़ ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लियर है। पॉइंट नंबर टू उसी को मैंने यूज किया है कि कहीं पे अगर x की पावर n dx और उसका इंटीग्रेशन हो, एक्चुअली में आपको ऐसे गिवन होगा। तो ध्यान देना है कि ये जो d के साथ जो भी लगा होगा ये बता रहा होगा कि ये फंक्शन उसी का होना चाहिए। यहाँ पे अगर x लगा हुआ है तो x का फंक्शन होना चाहिए, y होगा तो y का फंक्शन, एंड सो ऑन। तो इसका इंटीग्रेशन जो भी पावर n होगा उसमें एक और ऐड कर देना है, x की पावर n प्लस 1। डैट मीन्स जो भी x पे पावर होगा उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करना है और ये वाला पूरा नीचे में डिवाइड कर देना है प्लस सम कांस्टेंट। ध्यान रहे एन की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। सर -1 हुआ तो उसका यहाँ ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अगर कहीं पे इंटीग्रेशन e^x dx हो, ध्यान से देखना यहाँ पे भी d के साथ x लगा हुआ है तो x का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन वही हो जाता है। क्यों, क्योंकि e^x का डिफरेंशिएशन भी e^x ही होता है, इसलिए इंटीग्रेशन भी सेम ही रहेगा, राइट, ये ध्यान रखना। वैसे ही कहीं पे अगर इंटीग्रेशन sec ax है, ध्यान दें यहाँ पे a एक कांस्टेंट है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो log sec ax प्लस tan ax होता है। ये पूरा log में और डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो नंबर होगा कांस्टेंट नंबर वो डिवाइड में आता है। पॉइंट नंबर थ्री डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं पे भी अगर इंटीग्रेशन का आपको डिफरेंशिएशन करना हो, ध्यान से देखो ये इंटीग्रेशन f(x) dx है और उसका फिर डिफरेंशिएशन, तो एक्चुअली में ये जो फंक्शन होगा वही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको इंटीग्रेट करके आप कोई फंक्शन निकालता और फिर उसको डिफरेंशिएट करना है तो यही आएगा, राइट। तो इसलिए ध्यान देना कहीं पर अगर ये रहेगा तो जो फंक्शन रहेगा वही यहाँ पर आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आपको कुछ फंक्शन का इंटीग्रेशन याद रखना, डैट इज कॉल्ड बेसिक या स्टैंडर्ड। सम ऑफ द बेसिक या स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन याद रखना है, और वो क्यों, उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ध्यान से देखो, जिसमें भी सी लगा होता है, तो जैसे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन एक्स होता है, राइट, वी नो। तो अगर आपसे कोई पूछा कि माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस सी, वेरी सिंपल। अगर आपको डिफरेंशिएशन मालूम है तो उसका रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, इसलिए इंटीग्रेशन मालूम है। या सिर्फ सर साइन एक्स का पूछा तो ये माइनस इधर कर दो, माइनस में कॉस एक्स प्लस ही हो जाएगा। वैसे ही कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन सब लोग जानते हैं, कॉस एक स्क्वायर एक्स होता है और माइनस में, क्यों, क्योंकि यहाँ सी है तो माइनस में होता है। तो अगर माइनस ऑफ कॉस एक स्क्वायर एक्स का अगर कोई इंटीग्रेशन पूछा तो क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस सी। सिर्फ कॉस एक स्क्वायर एक्स का पूछा तो क्या हो जाएगा, इस माइनस को इधर ले लो, माइनस में कॉट एक्स प्लस सी। वैसे ही कॉस एक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन के साथ। तो अगर इस पूरे का मैं इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस एक एक्स प्लस सी। इट इज़ ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसलिए सिर्फ अगर कॉस एक एक्स इंटू कॉट एक्स सिर्फ इतना का करना हो तो ये माइनस इधर कर दो, सी माइनस कॉस एक एक्स हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट। वैसे ही टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी,
वेरी सिंपल। वैसे ही sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू टेन एक्स, तो अगर मुझे इन दोनों फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, sec x प्लस c। तो ध्यान से देखो, ये बिल्कुल आपको ईजी होना चाहिए। वैसे ही a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन a टू द पावर x इंटू ln a होता है, तो अगर मुझे a टू द पावर x इंटू ln a का इंटीग्रेशन करना हो तो सिर्फ a टू द पावर x होगा। सिर्फ a टू द पावर x का करना हो तो सर, तो क्या करेंगे, ln a को यहाँ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक फिक्स नंबर है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, c। तो आई होप ये क्लियर होगा। वैसे ही ध्यान से देखो, अगर ln sec x का मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो tan x आएगा। कैसे, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स, तो 1 बाई sec x, चैन रूल लगा देंगे, और sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो ये sec x कैंसिल, तो ये tan x के बराबर आया। तो इसका मतलब क्या, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या हो जाएगा, ln sec x, राइट। क्यों, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन ये आता है, इट इज़ ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वैसे ही साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई पूछा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन, तो क्या बोल देंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ध्यान दे, इंटीग्रेशन वाला फंक्शन उधर है। वैसे ही टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका जिसको मैंने सर्कल किया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। वैसे ही sec इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इस पूरे को अगर मुझे इंटीग्रेट करना हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec इनवर्स x प्लस सी। तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, इसीलिए फाइनल पॉइंट पे मैं एंड कर रहा हूँ कि आपको जितना भी यहाँ पे बेसिक या स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आपको बताया, डेट इज पॉइंट नंबर टू एंड थ्री, वी हैव टू रिमेंबर, क्योंकि ये बेसिक या स्टैंडर्ड है। क्यों, क्योंकि उसके बाद दुनिया का कोई भी इंटीग्रेशन आपको करना हो, ध्यान दे, दुनिया का कोई भी इंटीग्रेशन करना हो तो आपको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, बेसिक फॉर्म में, तभी आप वो अप्लाई कर करके इंटीग्रेट कर पाएंगे। इसीलिए हमें इतने बेसिक फॉर्म का एकदम क्लियर होना चाहिए, और ये बहुत ईजी है आपको। क्यों, क्योंकि सबके डिफ्रेंशिएशन से हमने समझा है कि उसका रिवर्स इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आई होप ये पॉइंट सारे आपको लिख लेने चाहिए। नाउ ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कहीं पे भी इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ध्यान दे e टू द पावर x सब में मल्टीप्लाई है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ध्यान दे यहाँ पे प्लस होना चाहिए, फंक्शन एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव, इन दोनों का सम में अगर e टू द पावर x मल्टीप्लाई है और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, तो वेरी सिंपल e टू द पावर x इंटू एफ एक्स हो जाएगा, e टू द पावर x ये वाला, और यहाँ पे जो फंक्शन होगा एफ एक्स वो हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, क्योंकि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो u इंटू v रूल लगा सकता हूँ, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस फिर e टू द पावर x इंटू एफ डैश एक्स होगा। इन दोनों में अगर मैं e टू द पावर x कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स। तो इसीलिए ये तो डेरिवेटिव है, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो यही आना चाहिए, तो वही चीज़ है ये, तो ये नया चीज़ नहीं है, ध्यान देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी आपको अगर दिख रहा है कि a टू द पावर x समथिंग है तो आपको इसके बारे में एक बार सोचना जरूरी है। पॉइंट नंबर फाइव, डैट इज़ वेरी सिंपल, कि कहीं पे अगर सम ऑफ द फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो या डिफरेंस ऑफ द फंक्शन का, तो वेरी सिंपल है, अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे ये दोनों अगर साथ में है, सम में या माइनस में, तो सम होगा तो सम में कर लेंगे अलग अलग, और माइनस होगा तो माइनस में, वेरी सिंपल। वैसे ही कोई कॉन्स्टेंट अगर फंक्शन में मल्टीप्लाई होगा तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं और फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो दीज आर द वेरी बेसिक पॉइंट। और पॉइंट नंबर सिक्स, ये मेरा कहना है कि वी हैव वन ऑलवेज हथियार। हथियार मतलब समझे कि एक ऑप्शन आपके पास ऑलवेज है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एक फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको ऑप्शन गिवन होंगे, तो ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लें, लेकिन ये तभी करना जब डिफ्रेंशिएशन ईजी हो। तो ये ऑलवेज एक हथियार आपके पास है। तो अब मैं आपको इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम लेकर के बताता हूँ कि आपको कैसे थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर वन में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स का निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, डी के आगे एक्स लगा हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, वो है, बराबर है कंडीशन में। अब यहाँ पे इस टाइप का तो मैंने कोई भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, डिवाइड कर दो तो एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर और ये पूरा इंटू में डी एक्स, ध्यान से समझो, जस्ट आपको बता रहा हूँ। फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, एक्स, और ये माइनस में एक्स की पावर माइनस टू
इंटू डी एक्स। तो अभी एक रूल बताया था, प्लस माइनस हो तो अलग अलग कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, यहाँ पे माइनस आना है तो माइनस इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स। यहाँ पे एक्स पे पावर वन है तो आपको बताया था जितना भी पावर होगा उसमें एक जोड़ देंगे, नीचे में वन प्लस वन, यही वाला चीज़ आ जाएगा। एंड माइनस, यहाँ पे ध्यान से देखो, x पे पावर माइनस टू है तो x पे पावर माइनस टू प्लस वन, नीचे में माइनस टू प्लस वन, प्लस सम कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ ध्यान से देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई टू। अब देखो माइनस टू प्लस वन, माइनस वन हो गया और ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये x पे पावर माइनस वन मतलब वन बाई एक्स प्लस सी। तो आप ध्यान से देखो ये है ऑप्शन बी। तो ये जस्ट आपको एक बेसिक फीलिंग लाने के लिए इतना टाइम लगा के बताए, अदरवाइज आपको मालूम है ये क्विकली एक मिनट के अंदर में सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर टू में इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो अगेन डी के आगे एक्स लगा हुआ है, एक्स का फंक्शन है ये, यहाँ पे अगेन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो अभी आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, आपको ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो ध्यान से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको डिवाइड कर दो तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और ये पूरा रहेगा डी एक्स। अब ध्यान से देखो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस में ध्यान से देखो साइन एक्स बाई कॉस एक्स तो क्या हो गया टेन एक्स, और वन बाई कॉस एक्स क्या हो गया सेक एक्स, और इसका इंटीग्रेशन और डी एक्स। तो यू नो कि जो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन एक्स, और उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस, वी नो कि सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसलिए मैंने बोला इट इज़ ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑलवेज आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेके आना है, डायरेक्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री में इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू दिस फंक्शन है डी एक्स। तो मुझे देखो यहीं से आइडिया आ रहा है कि ई टू द पावर एक्स है तो पक्का इसमें एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होगा, क्यों, क्योंकि अभी आपको बताया था ई टू द पावर एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस पूरे का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स होता है, राइट। इसलिए ध्यान से देखो ऑप्शन सब में भी ई टू द पावर एक्स निकला हुआ, सिर्फ मुझे क्या सर्च करना है एफ एक्स। तो आप तो एक काम ये कर सकते हो कि डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लो, दूसरा ध्यान से देखो कैसे इसको एफ एक्स प्लस एफ डैक्स एक्स के फॉर्म में सोचना है आपको। ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर, नीचे से पता लग रहा है एक्स प्लस फोर हमें कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों में। तो यहाँ ध्यान से देखो अगर एक्स कॉमन लिया तो यह क्या हो जाएगा एक्स प्लस फोर प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। अब इसको अगर मैं डिवाइड करके लिख दूँ तो ध्यान से देखो एक्स इंटू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस फोर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ से ध्यान से देखो एक कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपको एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो अगर ये आपका एफ एक्स है तो ये आपका एफ डैश एक्स है, क्यों, क्योंकि यू बाई वी रूल लगाएंगे तो नीचे के फंक्शन का स्क्वायर यू बाई वी रूल से, तो ये वही है, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स आपका क्या एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर, डैट इज ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के सारे प्रॉब्लम को थिंक करना है, क्योंकि बस मैं एक आइडिया बता दूंगा बेटा कि आपको कैसे थिंक करना चाहिए, जब भी ई टू द पावर एक्स इंटू समथिंग फंक्शन मल्टीप्लीकेशन आए तो आपका एक बार ध्यान इस पर जरूर जाना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग एक बार आपको जरूर थिंक करना है, उसमें वो छुपा हुआ रहेगा, आपको थोड़ा सा वर्क कर करके निकालना है कि एफ एक्स इसमें कौन है, नहीं तो रिवर्स डिफ्रेंशिएशन करके आप चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर फोर में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स, अगर ये है तो आपको पी की वैल्यू बताना है। तो ध्यान से देखो अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये है तो इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूं तो ये आना चाहिए, राइट, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन है। तो एक मेथड ऐसा हम थिंक कर सकते हैं, तो इसको पहले मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं यू इंटू वी रूल से। तो ध्यान से देखो पी तो रह जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा वन अपॉन टू रूट एक्स, और अंदर में जाएंगे तो x का क्या आ जाएगा माइनस वन, और ये फंक्शन आपका ऐसे ही मल्टीप्लाई रहेगा, राइट, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एट, उसके बाद फिर प्लस, अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा सिक्स एक्स प्लस फोर, और इंटू में रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स इंटू में p रहेगा, राइट। अब ध्यान से देखो यहाँ पे अगर मैं ऊपर नीचे रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स कर दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट,
और ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमारे पास सिर्फ क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स, इसका कॉफिशेंट क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो माइनस में थ्री पी बाई टू, और यहाँ से ध्यान से देखो ये क्या हो गया वन माइनस एक्स, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ध्यान से देखो कि एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स का कॉफिशेंट यहाँ से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो माइनस में सिक्स पी, कैसे, क्योंकि ये माइनस है राइट, तो सिक्स पी आ जाएगा। और इसको कंपेयर कर दो यहाँ पे, इसका कॉफिशेंट कितना है, कुछ नहीं है तो वन, जस्ट कंपेरिजन कर रहा हूँ, तो वी कैन से माइनस में थ्री पी बाई टू माइनस में सिक्स पी शुड बी इक्वल टू हाउ मच, वन, तो माइनस कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा फिफ्टीन पी बाई टू इज इक्वल टू आपका वन, इसीलिए p कितना हो जाएगा माइनस में टू बाई फिफ्टीन, सो योर ऑप्शन विल बी a। तो देखो ये बिल्कुल सिंपल वे में हमने कर दिया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अगर ये आ रहा है तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये आएगा, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स ही है, तो इसका कॉफिशेंट वन है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अपन रूट अंडर वन माइनस एक्स का मैंने कॉफिशेंट निकाल लिया सबसे और उसको वन के बराबर कर दिया, बाकी सबका कॉफिशेंट यहाँ पे कुछ नहीं मतलब जीरो है, तो उससे मतलब भी नहीं है क्योंकि अपने को पी नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर फाइव में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स माइनस वन, अगर ये आता है जहाँ पे ए और बी की वैल्यू आपको बताना है सम में, क्योंकि सी जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, दैट्स इट, तो ये आपको बताना है। तो अगेन ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपका एंगल है कॉट का वो एक्स है और यहाँ पे जो एंगल है वो टू एक्स है, तो इसका मतलब कहने के इसको टू एक्स के एंगल में ले जाना है और ये अभी इंटीग्रेट नहीं हो सकता क्योंकि हमने ऐसा आपको कोई भी नहीं बताया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो ध्यान से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स माइनस वन, कॉट को ओपन कर दो तो क्या लिखेंगे, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन, एलसीएम ले लो तो ध्यान से देखो इसको क्या लिखेंगे, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स होता तो उसको ऊपर ले रहा हूँ तो ये हो जाता साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो आप, अब इसको और आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया कॉस टू एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, राइट। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये वन बाई टू पूरा मैं बाहर निकाल लूँ वन बाई टू, तो ये क्या हो गया ध्यान से देखो वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई कॉस टू एक्स, राइट। इसको अगर आप डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा वन बाई टू टाइम्स ऑफ वन बाई कॉस टू एक्स क्या हो गया sec 2x, और ये ध्यान से देखो माइनस में वन, और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है तो वन बाई टू तो आपको मालूम है बाहर, और अभी मैंने आपको बताया था कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ, यहाँ पे ध्यान से देखो एंगल में टू टाइम्स है तो sec 2x प्लस tan 2x, और ये जो रहेगा वो डिवाइडेड में आ जाएगा टू, राइट, और ये वन बाई टू उसमें मल्टीप्लाई, ये ध्यान दे ये पूरे में मल्टीप्लाई था तो क्या हो जाएगा माइनस में वन बाई टू का माइनस में एक्स बाई टू, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी, तो यहाँ से ध्यान से देखो ये क्या हो गया ए, ए आपका आ गया फोर, राइट, क्योंकि वन बाई ए था और ए क्या होगा टू इंटू टू फोर, और यहाँ से बी कितना हो गया, इसको कंपेयर करेंगे तो बी आ जाएगा आपका टू, तो ए प्लस बी कितना हो गया सिक्स, सो योर ऑप्शन विल बी बी। तो इस तरीके से आपको थिंक करना है, ध्यान से देखो पहले ओपन किया फिर इस फॉर्म में लेके गए फिर इस फॉर्म में, फाइनल ध्यान से देखो तो हमने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में या नॉन फॉर्म में लाया सो डेट ये आपको इजीली इंटीग्रेट हो। तो यू नो बेटा कि ज़्यादा प्रॉब्लम तो मैं करा नहीं सकता हूँ, वीडियो लेक्चर का लेंथ बिग हो जाएगा, डेट्स इट, इसलिए मैंने आपको एक अप्रोच बताया, एक समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। तो आई होप अगर आप इस तरीके से थिंक करोगे थोड़ा क्वेश्चन इस पर ऐसे इस टाइप से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको इंटीग्रेशन बहुत ईजी लगेगा।